मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड वन आप लोगों को साइंस पढ़ा रहे हैं। अभी चैप्टर वन है आपका। चैप्टर का नाम है ग्रीन वर्ल्ड। है ग्रीन वर्ल्ड का मतलब होता है बड़ी बड़ी दुनिया के आसपास जो आप देखते होंगे, पेड़ है, प्लांट है बहुत सारे। क्या तो हमारे आसपास को क्या बनाते हैं? बिल्कुल हरा भरा बनाते हैं। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे टॉपिक। टॉपिक का नाम है आपको टाइप्स ऑफ प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स कितने तरह के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। तो प्लांट्स आर डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। प्लांट्स कैसे होते हैं? डिफरेंट शेप्स और साइजेस, मतलब उनका जो आकार और प्रकार होता है वो बहुत अलग अलग होता है। जैसे कोकोनट, कोकोनट आर बिग, ठीक है। कोकोनट प्लांट क्या होता है? बहुत बड़ा प्लांट होता है, बहुत लंबा होता है, देखो कि बिल्कुल स्ट्रेट और बिल्कुल लंबा होता है। और तुलसी क्या है? बिल्कुल छोटा सा प्लांट होता है, उसको श्रब भी कहते हैं, छोटा सा प्लांट होता है। तो दोनों में डिफरेंट है, एक बड़ा है एक छोटा है। दूसरा देखिए, बिग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। They are tall and strong and their stems are strong. Okay? Big plants क्या होता है? Big plants को trees कहते हैं, जो बहुत बड़े पेड़ होते हैं, जिनका stem क्या होता है? बहुत strong होता है और जो काफ़ी लंबे और मजबूत होते हैं, जो जल्दी आसानी से टूटते नहीं हैं। ओके, उनको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, एक्स का यूज़ करना पड़ता है। तीसरा पॉइंट देखिए, क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स आर बिग प्लांट्स, दे नीड सपोर्ट टू स्टैंड स्ट्रेट। मतलब क्लाइंबर्स ऐसे प्लांट होते हैं जिन जो अपने से स्टैंड नहीं कर सकते, अपने से सीधे खड़े नहीं हो सकते, ठीक है। उनको खड़े करने के लिए क्या करना होता है? तो स्टिक का यूज करना पड़ता है। आपके घर में मनी प्लांट होगा या आपके आस पास में आप देखे होंगे मनी प्लांट होगा, तो मनी प्लांट को स्टैंड स्ट्रेट करने के लिए क्या करते हो? आप स्टिक लगा देते हो। और जब वो स्टिक लगाते हो तो क्या होता है? सीधा 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 उसमें ऐसे डाउन डाउन घूमते घूमते वो स्ट्रेट जाता है, वो खुद से नहीं खड़ा हो पाता। बीज, बीन का वही देखोगे, ग्रेप वाइन को हिंदी में कहते हैं अंगूर की लता, ठीक है। अंगूर का जो पेड़ होता है उसको पेड़ नहीं लता कहते हैं, ठीक है। तो ग्रेप वाइन क्या हो गया आपको? अंगूर की लता, स्वीट पी। ये सारा क्या है आपको? क्लाइंबर का एग्जाम्पल, ठीक है। इन सबको क्या चाहिए आपको? स्टैंड स्ट्रेट करने के लिए स्टिक की जरूरत, मतलब आप एक स्टिक लगा सकते हो, आप एक रस्सी लगा सकते हो, कुछ भी उसको सीधा करने के लिए लगा सकते हो। अगर आप नहीं लगाओगे तो वो नीचे क्रॉल करेगा लेकिन ऊपर स्टैंड स्ट्रेट नहीं होगा, ट्री की तरह, वो ट्री की तरह स्टैंड स्ट्रेट नहीं रहता है। अब देखिए डी में, डी नंबर, सम प्लांट्स गो स्ट्रेट, ठीक है। कुछ प्लांट क्या होता है? बिल्कुल खुद से सीधा खड़ा हो जाता है, उसको स्ट्रेट करने के लिए आपको कुछ भी करना नहीं होता। तो जैसे कोकोनट, कोकोनट प्लांट क्या है? खुद से आप उसको उसका ट्री लगता है और वो धीरे धीरे ग्रो करता है, काफ़ी लंबा हो जाता है, वो स्ट्रेट रहता है, उसको आपको कुछ भी करना नहीं पड़ता। फिर पाइन, पाइन पाम, ठीक है। ये सारे ट्री भी क्या है? सेम वही, पाइन यानी तार का पेड़, पाम खजूर का पेड़, ठीक है। इनको क्या करना पड़ता है? स्ट्रेट करने के लिए कुछ भी करना नहीं पड़ता, ये खुद से स्ट्रेट ग्रो करते हैं, खुद से स्ट्रेट बढ़ते हैं। सम प्लांट्स ग्रो स्ट्रेट, कुछ प्लांट्स हमारा।
फ्लावर्स, ठीक है, प्लांट्स में फ्लावर्स कैसे होते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे कि बहुत सारे रोज प्लांट होता है, ठीक है, रोज प्लांट हो गया, एग्जाम्पल में देखो रोज हो गया, तो आप रोज में देखते होगे कि रोज प्लांट में आपको क्या रहता है, लीफ भी होता है, थॉर्न्स भी होता है, फ्लावर भी होता है, ठीक है। फ्लावर यानी कि आपको फूल भी होता है, सनफ्लावर में भी आप देखोगे बहुत, उसमें क्या होता है आपको बहुत सारा फ्लावर्स भी होता है, लीफ भी होता है, लेकिन उसमें क्या होता है आपको, उसमें थॉर्न काटा नहीं होता है। कुछ फ्लावर जो होता है आपको, ठीक है, कुछ फ्लावर क्या होता है, सम फ्लावर्स क्या होता है, फ्रूट में चेंज हो जाता है। जैसे आप देखोगे पी प्लांट, ठीक है, ये पी प्लांट हो गया, तो पी प्लांट में क्या होता है, पहले फ्लावर आता है, ठीक है, पहले फ्लावर आएगा और ये फ्लावर कुछ दिन में क्या हो जाता है, फ्रूट में चेंज हो जाता है। आप देखते होगे ये लौकी का जो प्लांट होता है, ठीक है, इसको गांठ भी कहते हैं, इसमें भी पहले क्या होता है, फ्लावर आता है, ठीक है, और ये फ्लावर किस में चेंज हो जाता है, फ्रूट में चेंज हो जाता है। वैसे ही कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें पहले फ्लावर आता है और ये फ्लावर किस में चेंज हो जाता है, फ्रूट में चेंज होता है, ठीक है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनके अंदर क्या होता है आपको, जिनके अंदर आपको सीड्स होते हैं, ठीक है, सम फ्रूट्स हैव सीड इनसाइड देम, उनके अंदर क्या होता है आपको, सीड होता है, ठीक है। जैसे देखो आप मैंगो देखोगे, एग्जांपल में देखो मैंगो, ठीक है, एग्जांपल में देखो मैंगो, तो मैंगो के अंदर क्या होता है, एक सीड होता है, सिंगल सीड होता है, ठीक है। आप पपाया देखोगे, पपाया में क्या होता है, बहुत सारा सीड होता है, ये वाली पपाया, इसमें बहुत सारा सीड होता है। अगर आप डिवाइड करोगे वन सीड फ्रूट और मेनी सीड फ्रूट, वन सीड फ्रूट में क्या आ सकता है आपको, मैंगो, लीची, ठीक है, ब्लैकबेरी, जामुन, ये सारे ऐसे फ्रूट्स हैं, ठीक है, एक्सेट्रा, ये सारे ऐसे फ्रूट्स हैं और भी फ्रूट्स होंगे जिसमें क्या होता है आपको, एक सिंगल सीड आता है, ठीक है। अब देखिए मिनी सीड फ्रूट में क्या हो गया आपको, पपाया हो गया आपको, ऑरेंज हो गया, ऑरेंज हो गया, उसके बाद आपको एप्पल हो गया, ठीक है, ये सारे क्या हो गए आपको, बहुत सारे फ्रूट्स, बहुत सारे सीड वाले फ्रूट है, मतलब इनमें सिंगल नहीं होता है, इनमें बहुत सारा होता है, ठीक है। वन सीड में क्या हो गया आपको, मैंगो, लीची, ब्लैकबेरी, जामुन, और मेनी सीड फ्रूट में क्या हो गया, पपाया, ऑरेंज, एप्पल एक्सेट्रा, मतलब इसमें और भी होता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया कि वन सीड फ्रूट में क्या होगा, जिसमें सिर्फ सिंगल एक ही सीड होते हैं, एक से ज़्यादा नहीं होते, और मेनी सीड में क्या होते हैं, एक से बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अगर आप उन सीड्स को स्प्रिट कर देते हो, फेंक देते हो खाने के बाद, तो हो सकता है उसमें से बेबी प्लांट बाहर आ जाए, ठीक है। तो बेबी प्लांट क्या होगा, आप बेबी प्लांट अपने घर में लगा सकते हो। तो ये हमारा आज तक का टॉपिक है, इसके बाद अगला हम लोग टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, थैंक यू।